दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों मनपसंद प्रेमी प्रेमिका का प्यार मिलते ही ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया की सारी खुशियां एक साथ मिल गई हों। लेकिन जब जाने अनजाने एक गलत स्वार्थी व प्यार को खेल समझने वाला पार्टनर मिल जाता है तो सारे सपने टूटकर बिखर जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो पूरा जीवन ही नर्क बन जाता है। दोस्तों आकर्षण जुनून व जल्दबाजी में पड़कर प्यार तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आकर्षण व स्वार्थ में किया गया प्यार ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता, क्योंकि एक ना एक दिन शरीर का आकर्षण निश्चित रूप से कम या खत्म हो ही जाता है। चलो बताते हैं दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, दोस्तों लव अफेयर या रिलेशनशिप में यह समझना अत्यंत आवश्यक होता है कि क्या आप दोनों के बीच एक सच्ची फीलिंग्स है या केवल आकर्षण व जुनून वाला प्यार, क्योंकि जुनून में पड़कर किया गया प्यार कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है। सेकंड नंबर, दोस्तों प्यार करने से पहले यदि आप दोनों अच्छे दोस्त रह चुके हैं तो आपका प्यार अधिक टिकाऊ होगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान व समझ चुके होते हैं। थर्ड नंबर, दोस्तों यदि आप दोनों एक दूसरे के गुण व दोष अच्छी तरह से जानते हैं, एक दूसरे के बीच में कुछ भी छिपा हुआ नहीं रह गया तो भी रिश्ता मजबूत रहेगा। फोर्थ नंबर, दोस्तों आप दोनों का स्वभाव कितना मैच करता है यह जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि केर बेर का संग कभी संभव नहीं हो सकता। इसके अलावा यदि आप दोनों में से किसी एक का भी स्वभाव चंचल या चिड़चिड़ा है तो भी रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। 5 नंबर, दोस्तों अक्सर लड़के किसी लड़की के आकर्षण में पड़कर जल्दबाजी कर जाते हैं और उसके बारे में बिना कोई जानकारी किए ही उसे प्रपोज कर देते हैं, कई बार जिसकी उन्हें सजा भी भुगतनी पड़ती है, क्योंकि आजकल की काफी लड़कियां स्वार्थ व लालच में पड़कर प्यार किसी न किसी लड़के से तो करने लगती हैं, और जब स्वार्थ पूरा हो जाता है या लड़के से जो चाहिए होता है वह मिल नहीं पाता तो लड़के को छोड़ने में जरा भी समय नहीं लगाती, जबकि तब तक तो लड़के उनके प्यार में पूरी तरह से अंधे हो चुके होते हैं। खैर ये बातें दोनों पर ही समान रूप से लागू होती हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।